बेईमान नहीं कर रहा, चोर को चोरी में हेर फेरी तो करनी पड़ेगी। अग नहीं करे वोट भी देने लो। अरे बा वोट देते होंगे, हम तो देते नहीं बिहार में बस ना। आपके नेता ने तो कहा हमने दिए वोट। हमने तो नहीं दिए, कौन कहे? राकेश टिकट ने दी होगी, हम तो ना दे। हाँ आपके जाकत ने दी होगी। जाकत क्यों दे देंगे, दो मरेंगे कौन पे। हाँ जाकत मारे थे, हम जाकत टूटे। काम तो बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। बढ़िया हाँ, इतना बढ़िया कर रहा, अब एकदम मुँह का पट्टी लगवा दूँ। अब सारे भाई बीमार हो रहे कहीं के, अगो जो देखे लॉकडाउन आ रहा, वाह रहा कोरोना। मोदी का क्यों नहीं होता, यू पंचायत कर रहे कोरोना। सही बात है, इसका क्यों नहीं होता। अब तो दवा भी आ गई है, आपने इंजेक्शन लगवा लिया? कहाँ मुझे लगवा लगा अपने चूतड़ू का टीका, हम तो ना लगवा ले। क्यों लगवा ले? अलग जुटू नु सुई जी थी कहा का पानी की, और हमें बकावे। किसी ने भी लगवा लिया? अरे सारे झूठ बोले थे। झूठ बोलते हैं वो? झूठ पक्के झूठे। वो तो करम संस्कारी पार्टी वाले हैं, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है। एक बात बताऊं, ऐसे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को तो चुग्गे में पानी लेकर डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू में। वो तो कह रहे देश मजबूत हाथों में है आज। आज हाँ जड़ पार्टी थी, अब मजबूत हो रहा। ताऊ जी 2016 में नोटबंदी करी थी मोदी सरकार ने। हाँ। कहा था कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हाँ। कमर टूट जाएगी आतंकियों की। अच्छा। लेकिन 22 जवान फिर हो गए शहीद। क्यों ये मोदी से पूछो, युगो जी सब खत्म हो जाएगा, ये शहीद क्यों हुए? रोज और लग रहे बदला ले, बदला लेगा यू। अरे क्यों झूठ बोल रहे, रहन दो। इन्हने तो चीन को भी भेज दिया 20 किलोमीटर, भरा हिंदुस्तान बढ़ गया। जान का नूर लगा रहा था झूठू ही, और 20 किलोमीटर अब हम बेच कर झूठ बोल रहे। और इनमें कह रहा कोई यहाँ मीडिया वाला कोई आया ही नहीं, नू कहीं सारा लगे। प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोलेंगे वो? ओ, अपने बेईमानी की खातिर कहीं का प्रधानमंत्री अपनी माँ का तो यू यानी मारा हो जाएगा। पैर तो छूते हैं जाकर माँ के पैर छुए, शिकल तो देखता नहीं, माँ भी चुमे के बंद में सड़का लेन में लगा दी। क्यों लगा दी माँ लेन में? कहाँ है 50-50 लाख रुपए 1000 रुपए मेरे खाते में, काला धन को सब सबके खाते में आवेगा। 2022 में आएंगे वो। मैं नोट मोदी खा लगा ना, हम ना चाहते। जो देश में जहाँ जहाँ था लड़ाई वाला है, उसमें दलाली हो गई है, घोटाला हो गया है। मोदी सरकार में भी कहते थे हमने दलाल खत्म कर दिए देश से। अरे ये तो सारे दलाल है खत्म कुकर कर देंगे। हाँ ये तो कैम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी भी अगले डर गए। राष्ट्रवादी होता तो किसानों को एक चुल्लू भरना कहता, ये तो के नक्सी है। और ना मानती तो हम भी नहीं मानना, महामी के मान जू दे इतने वो नहीं मानने, इतने हम भी करूँ नहीं जा। ताऊ जी बांग्लादेश गए थे मोदी जी। हाँ कहा था कि बांग्लादेश की आजादी में मैं जेल गया था। झूठ बोल रहे, कौन सी जेल में बता ना बतावे, और वह झूठ क्यों बोल रहे? अरे झूठ का बोलना भो का सोना, कई लोग गिरता चला जा। रास्ता जो नहीं निकलेगा, कह दो मोदी रह कर के हम रहेंगे। मोदी भी रह रहे, आप भी रह रहे, दोनों रह रहे। ना 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 अभी तो हम शांति में बाट देख रहे, इतने हाथों से खुले मुंह ना लगाओ। समझ गया, वोट तो आप बीजेपी को देते हो ना। एक काम कर चुप कर रही है, बताए जी कदे बीजेपी को भी बताऊं। ताऊ जी आप तो पहले भी कह रहे थे, पहले बात करी हमने कद का कार्ड वीडियो जो पागा सोजू तो रोके का पानी नहीं देख ले, तुझे कड़ा मुंह करके कंजू फिरूंगा। अरे जाकर जब ये बाहर का जाओ, हमने नहीं दी और ना दे। जीतते तो उनके वोटों से ही है। इनका ले लियो, इनका ले लियो।
बाघ मोदी बाघ मोदी बाघ मोदी बेईमान है जब डंके की चोट जीते भाई एक मिनट हंसने की बात नहीं कल जी मैं जाऊं भूल बताओ जी ये जीते ये इन मशीनों को उठाओ और मोहर दो मारे हाथ में हम मारेंगे उधर पता लगेगा कि जीते घर है तो बीजेपी जो नेता उनके पास ईवीएम मिल रही है गाड़ियों में अरे हमें नहीं बारा सी बी एम पी बी एम ना हम जानते हम तो सुधा साहब जाने क्यों हो जा गिनती में हो जा कोई पेटी ले जाओ उठा के पेटी क्यों ले जा निगाह रख है लट ले के बैठ जाएगा तो अब ईवीएम पे निगाह रख लो ईवीएम के वो मशीन जिसमें वोट होना बटन वाली हाँ जो गिरेंगे लोग दल की जागी भाजपा की गिरेंगे लोग दल की जागी भाजपा की अच्छा आप लोग दल के हो पक्का जब तो घर बैठ के तो ना वहां बैठा हैं अरे बेईमान ने डर रहे ताऊ जी एक बात बता 30,000 वोट से अजीत आगे था हाँ और एक बुढ़ाना कस्बा खुलना रह रहा था मोमडनों का है हिंदू तो थोड़े ही हैं हाँ और वहाँ में टीज भी बाज गई और टीज से वो जीता दिया था रात के 10 बजे 60,000 वोट कहाँ गई मैं कहाँ था बेईमानी की आई कि ईमानदारी की आई मोदी सरकार ने कहा है कल कि हम देश में 1.5 लाख जो सैनिक है ना जो जवान है आपके बेटे जो नौकरी करते हैं सेना वगैरह में उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी अब 3-4 साल के दौरान अरे हमारी खत्म ही तो पहले हो जाओ पर तू चला जाए अंदर छोड़ के हमें तो नौकरी की जरूरत नहीं हम तो अपनी जमीन में कर लेंगे हाथ में भेजना या भी बैठाना कुर्सी पे अरे हमारे हाथ में तो हो भी हम तो ये इतनी जोर में भगा दे हमारे हाथ में ही तो नहीं तो 4 साल है उनके 4 साल तो बनाने की कौन टी नहीं तो है तू भी झूठी बोल रहा 24 में अरे 24-25 को मैं नहीं रहा पूरा साल है 3 महीने में इसके और 3 तो चाली है एक एक दिन भारी हो जा ताऊ जी दिल्ली में लग गया लॉकडाउन रात में अरे लगे रहना हमारे तो ना लॉकडाउन हम 5 महीने ले पड़े कहाँ है लॉकडाउन कहाँ है कोरोना किसका है कोरोना देश में मर जान दे हमारे पे क्या फर्क पड़े सरकार में नहीं थे वो लोग क्या सारे मर जो दो कचला फालतू चलाएंगे जब आप जो करोगे अरे बीजेपी क्या सारे मर जो हमारे पे कोई फर्क नहीं गन्ना वन्ना बोकर आ गए चल रही है बुआई गन्ने की के गन्ने की बुआई छोटा पूछेगा जी बुआगा हमें ना गन्ने का ठेका उठाया भला भाई पर मैं एक बात जरूर कहूँ या मीडिया में उसमें इन पे घेर दो मोबाइलों पे हाँ इन्हें जितने नेता हैं सारे इस बात पे अड़ जा के हम मशीन से इलेक्शन नहीं करें गामू में जाना और मशीन धरे दूर मारे दूसरी को बोले नू को बगा दे आपका साथ नहीं दे रहे वो तो कौन नेता विधायक जो हमारा नेता हमें सारा भी ना देता हम तो जानते पीट के भाग लिए थे कौन जैन चौधरी अजीत चौधरी जो हमारी जान का टुकड़ा उसके ऊपर तो हम मिट सके समझ गया हाँ वो किसानों को ही जना गया चौधरी चरण सिंह और नहीं बनी का दे रही थी सारी मंजरती आठ हो रही थी दुष्यंत चौटाला भी तो आपका ही नेता है दुष्यंत चौटाला भी तो आपका ही नेता है अरे कहाँ हरियाणा परियाणा वालों का उठा रहा रहा यार और जेड़ा पड़ रहा यूपी का वो भी तो जाटों का नेता है पक्का नेता है और आप भी जाट हो अरे भाई नेता तो ये ऐसे ही हो बीजेपी के साथ उसके पिता जेल से बाहर आ गए हैं इसलिए समर्थन कर रहा है सरकार को ओ जेल में थे दोगला है गए वो जाट है नो बता दोगला है वो जाट को आने का हक नहीं रखता चलो ठीक ठीक इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन